नमस्कार, राइजर्स में आपका स्वागत है। तो पेश है आज की अहम खबरें। देश में सबसे तेजी से बढ़ने वाले बंधन बैंक की नई शाखा आज अर्दली बाजार वाराणसी में खुली, जिसका उद्घाटन मुख्य अतिथि नगर आयुक्त गौरांग राठी और पूर्व विधायक अब्दुल समद अंसारी ने किया। बंधन बैंक की यह वाराणसी में तीसरी और उत्तर प्रदेश में 71वीं शाखा है। आज देश भर में बंधन बैंक 1122 शाखाओं सहित कुल 5258 से ज्यादा बैंकिंग आउटलेट के साथ देश के प्रमुख बैंकिंग नेटवर्क वाला बैंक है। 1 लाख से ऊपर 6% देते हैं, एफडी में रेट ऑफ इंटरेस्ट अच्छा है। करंट अकाउंट कस्टमर्स के लिए कैश डिपॉजिट लिमिट सबसे ज्यादा है, भारत के सारे बैंकों में सबसे है। इंटरनेट बैंकिंग, मोबाइल बैंकिंग सारी सुविधाएं हैं। सो हमारी ये स्ट्रेंथ है कि हम कस्टमर के फ्रेंडली हैं, आसानी से खाता खुल जाता है, और हमारा यही जोर है कि सर्विस लो परसेंट है। जो मैंडेटरी है वो हमारा लेस देन 40% है, 33-34%। तो यही दिखाता है कि जो हमारा मध्यम वर्ग है और निचला वर्ग है उससे आप लोग बहुत साथ में मिलकर कार्य करते हैं। तो हमारे जो हथकरघा बंधु हैं जो कार्य करते हैं उसको ज़रूरत भी है। अभी समय ऐसा है कि कई सारी चीज़ें एक साथ आ गई, तो ऐसे समय में अगर आप लोग की यहाँ पे ब्रांच रहेगी तो हमारा पूरा आदमपुर क्षेत्र और जो इधर नदेसर की इस तरफ का क्षेत्र है बाहुल्य है। काबिले गौर है कि बंधन बैंक ने अल्प समय में ही देश के सबसे तेज बढ़ने वाले बैंक के रूप में अपनी पहचान बनाई है। 23 अगस्त 2015 को 501 बैंक शाखाओं के साथ शुरू हुआ बंधन बैंक आज 1.5 लाख करोड़ से ज़्यादा व्यवसाय, 2.25 करोड़ से ज़्यादा ग्राहक, 45,000 से ज़्यादा कर्मचारियों और 5258 बैंकिंग आउटलेट के द्वारा देश भर में अपनी सेवाएं दे रहा है। बंधन बैंक अपने ग्राहकों को बचत खाते में जहां 1 लाख से ऊपर की जमा पर 6% ब्याज देता है, वहीं एफडी में भी अन्य बैंकों की तुलना में ज़्यादा ब्याज दे रहा है। इसके साथ ही बचत खाते में निश्चित जमा से कम होने पर भी कोई भी पेनल्टी ना लेना और देश भर में बंधन की हर शाखा में होम ब्रांच की तरह ही लेन देन की सुविधा बंधन बैंक को दूसरों से अलग करती है। एआरआई न्यूज के लिए वाराणसी से जावेद खान की रिपोर्ट।